स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड हिंदी में पाठ आठ पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 50 है। पाठ आठ में हम संकल्प नाम इस पाठ का, इसके बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों जो हैं कुछ अभिनय कर रहे थे, कुछ बच्चे पेड़ बने हुए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। पेड़ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे किया जाए, कैसे उनको लोग दिन प्रतिदिन काट रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आप देखो, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए आम, अब आम बोल रहा है। जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं। सहर्ष होता है खुशी खुशी, कि वृक्ष जो है मनुष्य जाति को जो अपने अंगों का जो खुशी खुशी दान करते हैं, और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। कि वृक्ष से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, और लेकिन मनुष्य ने ही हमें काटना शुरू कर दिया। कौन कह रहा है? ये आम कह रहा है। हम पर क्या गुजरती होगी जब लोग हमें काटते होंगे, तो हम पर क्या कैसा लगता होगा हमें, हम पर क्या गुजरती होगी। अब तीनों बच्चे बोल रहे हैं, आप चिंता नहीं करें, हम सब बच्चे मिलकर संकल्प करते हैं कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब बच्चों ने कहा, जब आम ने बच्चों को कहा कि हम मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उन्हें ऑक्सीजन गैस देते हैं, उन्हें फल फ्रूट्स आदि देते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें काट रहे हैं, तो आप सोचो कि जब लोग हमें काटते होंगे तो हमें कैसा लगता होगा, हम पर क्या गुजरती। तब बच्चों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम सब बच्चों ने आज ये संकल्प लिया है, आज हम संकल्प लेते हैं कि यह संदेश हम जन जन लोगों तक पहुंचाएंगे। अब तो यह कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। अब पता है आपको कि ये कानून जो है बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना क्या है, अपराध है। जो हरे वृक्षों को काटेगा उससे उस पर जो है कानून के अनुसार उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा भी चलाया जा सकता है। मोहक ने कहा, हम यह भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे। अब हम आज जब मोहक जो है उसने है प्रण लिया कि हम आज से वृक्षों का संरक्षण, है ना, कि वृक्षों को हम बचाएंगे और नए नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। अब रूही कह रही है, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। अब रूही ने कहा कि हम जंगल तो जंगल ही है, हम घर के आंगन, अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास अनेक पेड़ पौधे लगाएंगे और इस वातावरण को हम हरा भरा करेंगे। बच्चे समयबद्ध स्वर में गाते हैं, बच्चे गाते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। बच्चे कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाते हैं, और इस धरती के चारों ओर हरियाली, वृक्ष लगाने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। वृक्ष लगाकर हम चारों ओर हरियाली करें, अपने वातावरण को हम शुद्ध करें, और अपने जीवन को जो है हम खुशहाल बने। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये चैप्टर 2 times पढ़ना है, और ये कविता जो है आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखनी है, और इसके शब्दार्थ जो है वो आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।